पाएगा। इसका रीज़न ये है कि परी की जो कहानी है, परी हमारे हर घर में होती है। परी की कहानी में सबसे खास ये है कि इसमें कुछ भी खास नहीं है, हर घर में एक परी मिलेगी, वो हमारी आपकी बेटी भी हो सकती है। और केवल ये एक फिल्म इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, ये एक साधारण मिडिल क्लास लड़की जो कि इंटेलिजेंट है, वो अगर ईमानदारी से कोशिश करे तो सारे हर्डल्स को पीछे छोड़ते हुए किस तरीके से अपने ड्रीम्स को अचीव करती है, ये एक स्टोरी है। और ये बहुत बड़ा, केवल फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है कि आपको CA बनना है, आपको राइटर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, सबसे पहली चीज़ तो टैलेंट होती है, टैलेंट है, विल पावर है और ईमानदारी है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जितने भी हर्डल्स हैं। इसको लेके ये कहानी कही गई है। और ये कहानी हिंदुस्तान की मध्यम वर्ग की, गरीब वर्ग की, अमीर वर्ग की हर लड़की पे सेट होती है, जिसके अंदर ईमानदारी है और कुछ कर दिखाने की इच्छा है। ये है हमारी परी, इसको देखिए और प्यार दीजिए, और आप प्यार देते रहेंगे तो हम नए नए सीजन लेके बार बार आते रहेंगे आपके पास। देखिए, मैं बिना किसी का डिसरिस्पेक्ट किए, बिना किसी का नाम लिए ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि OTT का नाम ही वल्गरिटी होता जा रहा है। ठीक है, मैं चैनल्स का नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, सभी की इज्जत करता हूँ। मेरी ये कोशिश थी, बीइंग ए राइटर, मेरे ग्रैंडफादर, फादर सभी राइटर हुए हैं, आपने चंद्रकांता नॉवल का शायद नाम सुना हो, मेरे ग्रैंडफादर थे बाबू दीप की नन्नकथी, तो उनकी जो एक बार उन्होंने कहा था, जो कि मुझे सुनने को मिला अपने फादर से, कि नॉवेल वो होता है जो बेटी पढ़ के अपने पिता को सुना सके। इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि इतनी शालीनता से आप किसी कहानी का वर्णन कीजिए कि कहानी में तो क्यूरियोसिटी हो, कौतूहल हो, रोचकता हो, लेकिन गंदगी ना हो। गंदगी अगर होगी तो बेटी पढ़ के अपने पिता को कैसे सुनाएगी। तो वही थॉट थोड़ा सा जीन्स में आ गए, तो OTT चैनल हम लोगों ने ज़रूर बनाया, लेकिन ऐसा OTT चैनल बनाने के प्रयास है जिसके सारे शोज, एटलीस्ट 99% शोज आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। हमारे ओरिजिनल्स देखने के लिए आपको कान में ईयरफोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो गाली गलौज से एकाध कुछ हो जाए फ्लो में तो बात, उसके लिए कसम नहीं खाता मैं, बट आप पूरे परिवार के साथ बैठ के वो शो देख सकते हैं। सर, क्या था मेरी एंट्री एज ए राइटर हो, एज ए नॉवेलिस्ट के तौर पे? आज से 15-20 साल पहले मेरा पहला नॉवेल पब्लिश हुआ, बहुत प्यार दिया लोगों ने, दूसरा आया, तीसरा आया, उसके बाद मुझे कहीं पे ये महसूस हुआ कि समय बदल रहा है और आज की जो पीढ़ी है वो चीज़ों को पढ़ना नहीं, देखना पसंद करती और सुनना पसंद करती। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा टेक्नोलॉजी के समय में चीज़ें बदलती हैं। किसी ज़माने में हम रेडियो सुनते थे, पहले किताबें पढ़ते थे, फिर रेडियो सुनते थे, फिर दूरदर्शन का समान आया, फिर आपके ये सब जो क्या बोलेंगे अपन, वो चैनल GC चैनल का जमाना आया, ठीक है, अब OTT का जमाना है। तो समय के साथ बदलना ही कला है आगे बढ़ने की। तो ठीक है, वही ब्रेन है, वही हार्ट है, वही कलम है, लिखने का मीडियम बदल गया। देखिए, हमने करीब 17-18 टाइटल्स लेके शुरू किया है, ये 4 तो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है शो, तो मैंने थोड़ी पार्शियलिटी करते हुए ये लगवा दिया। वाओ का आप OTT खोलेंगे तो उसमें 17-18 चीज़ें आप टाइटल्स दिखेंगे। इसके अलावा 2 शोज़ और हमारे बन के रेडी हैं, जो हर 10-10 दिन पर हम लॉन्च करेंगे, और आगे भी हर 10 दिन पर, मतलब जो भी नेक्स्ट फ्राइडे पड़ेगा 9-10 दिन बाद, हमारा एक शो लॉन्च होता रहेगा। तो हमारा यही प्लान है कि हम महीने में 2 या 3 अच्छे शोज हमेशा लेके आएँ, और कोशिश यही है। देखिए, ग्लैमर से हमें परहेज नहीं है, ये शो मीडिया है, ग्लैमर रखेंगे, वल्गर नहीं करेंगे, ये बहुत बहुत महीन लाइन है। सर, परी के पापा आ गए, जितेंद्र भाई ने वो लोग काले करा लिया, बाल सफेद टाइप करा से सौ भी, और वो रिश्ते चले जाते हैं। ये एक सीरीज़ है, 3-3-4 एपिसोड की सीरीज इसके लिए गया है, तो अभी पहले सीज़न के साथ हम लोगों ने लॉन्च किया है, हर 2-3 महीने पर इसका एक नया सीज़न आता रहेगा। सीज़न द लीड एक्ट्रेस ये और ये।
अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो मैं जैसा हूँ बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर एंड ये जो लड़का है जो मेरा कैरेक्टर है ये बनारस से है, मिडिल क्लास फैमिली से है, ये बड़े शहर में आया है, जॉब कर रहा है और अब उसके बाद आती है शादी पे। शादी जैसे कि जिस एज में मैं हूँ ये सबके साथ पूरी स्टोरी मैं सुना हूँ हमारा शो में सर मैं पूरी स्टोरी तुम कहाँ जाएगा ठीक है नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ पर थोड़ा सा ओके ठीक है मैं अपने बारे में नहीं बोले बाकी सब बोल दिया तुम्हें। मेरी भी शादी नहीं हो रही है और वीरेंद्र चौबे की भी नहीं हो रही थी, ये हम दोनों कैरेक्टर्स में बहुत सिमिलरिटी है और बस उसके आगे जो भी है फन है क्या है मेरा और जो मेरा दोस्त है और ये जो हमारी बहन है हमारी क्या आपस में केमिस्ट्री है कैसे हमने उस चीज़ को एंटरटेनिंग बनाया उसके लिए आपको थैंक यू सो मच।